सनम जो है पहले ऑब्वियसली वो एक म्यूजिक वीजे थी और म्यूजिक चैनल पे थी, फिर उसकी बिल्कुल एक बहुत बड़ा टर्न था है ना मॉर्निंग शोज की लाइफ में आना, और उसने एक्टिंग भी की, वो बिल्कुल लोगों को लगता था कि हम मैंने शायद मैंने और होस्ट हैं हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, जस्ट कर लिया था मॉर्निंग शो के साथ कि ना मतलब कुछ ऐसे कंटेंट होते थे जिस पर हाँ जिस पर नहीं हम बोल पाते थे मतलब नहीं, लेकिन हमने बना ली थी कि जी नहीं बोलना है क्योंकि रेटिंग आनी है। तुमने नहीं बोला, तुमने अपनी क्लास मेंटेन रखी, मुझे ये लगता था। लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि ओ अच्छा अब शुरू हो गया काम, मतलब जो पहला साल था ना मेरा शुरू में नहीं, हाँ मैंने बड़ा कोशिश की कि नहीं। फिर ऑफ कोर्स फिर आपके पास वो सारे चीजें आती हैं रेटिंग के, इसकी क्या रेटिंग उसकी क्या, फिर आप अपने आप को देखते क्या मैं इधर हूँ, अच्छा क्यों नहीं होता था। वो तो शायस्ता तो अपने बच्चों के बारे में इतनी बात करती है, आप अलह के बारे में बात क्या करें, लोगों से कनेक्ट हो कनेक्ट हो, ये टीम बोलती थी। मेरी टीम तो कहती थी शुरू स्टार्टिंग में था कि इनकी शादी नहीं हुई, इनको कुछ पता ही नहीं, ये तो कैसे करेंगी, आम मासेस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगी, ये तो भाई लड़की है, वीजे को आपने रख लिया इनसे तो होगा नहीं। हाँ और मेरी टीम कहती आप इतना सच क्यों बोल देती हैं, घर में जो चल रहा है आपकी लाइफ किसी मतलब आप क्यों बोल देती हैं। हाँ तो यही वाला चक्कर, तो पहले शादी नहीं थी फिर मेरी शादी होगी, हाँ आप क्या कहते हैं। तो फिर मेरी टीम कहने लगी कि देखे ना वो क्या है कि निदा है ना उनकी दोस्तियां बहुत हैं, हाँ। वो दावतें देते हैं, वो लोग मेरे साथ सोशल है, हम सबके साथ सेम, तो आई एम श्योर निदा के साथ भी होता है, आई एम श्योर। तो वो ना उन तो दोस्त होते हैं तो दोस्ती में सब बताते हैं, हमारे पास गेस्ट आके खुलते हैं। और दूसरे दिन उतनी डांट पड़ती थी टीम से के देखा वो वहां पहुंची हुई थी, आप नहीं पहुंची, आपके पास टाइम नहीं है,